शानदार विचार है कि हर दिन कम से कम 2 घंटे उन दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए समर्पित करें, एक अपने लिए और दूसरा उस व्यक्ति के लिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आज आपने समय की कदर नहीं की तो कल कल करते दिन, महीने और साल निकल जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ पछतावा बचेगा कि आपने जीवन बर्बाद कर दिया। जो भी करना है इसी जीवन में करना है। सोचें, जब आप 50 की उम्र में होंगे और चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होंगी तो कितना पछतावा होगा कि आपने जो कर सकते थे वह नहीं किया। आज आप जो भी करते हैं वही तय करेगा कि अगले 5 सालों में आप कहां होंगे। हर कोई सोचता है कि वो बड़ा काम करेगा, लेकिन वास्तव में वही लोग बड़ा करते हैं जो समय की कीमत समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रभावी तरीके बताऊंगा जो उच्च सफल लोग, नेता और लेखक अपनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। अंत में मैं आपको 4 सबसे शक्तिशाली तरीके बताऊंगा जो आपको 10 गुना अधिक उत्पादक बना देंगे, इसलिए वीडियो को स्किप न करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, समय बचाने का पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य। आपके पास एक स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य होना चाहिए और उसे ध्यान में रखते हुए पूरे दिन की योजना बनाएं। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो दिन यूं ही निकलते जाएंगे और आपको यह समझ नहीं आएगा कि समय कहां लगाना है। दूसरा बिंदु, दैनिक लक्ष्य बनाएं। रात को सोने से पहले ही यह तय कर लें कि सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है। बिना योजना के उठने पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे और दिन खराब हो जाएगा। अपनी टू डू लिस्ट के शीर्ष पर 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखें और फिर बाकी के लक्ष्यों को सूचीबद्ध करें। तीसरा बिंदु, खुद को प्रेरित करें। सफल लोग अपने दैनिक लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। एक औसत व्यक्ति अपने मन की सुनता है, लेकिन एक सफल व्यक्ति अपने समय सारणी का अनुयायी होता है। इसलिए खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेलें और समय की पाबंदी रखें। चौथा बिंदु, अपने भविष्य के स्वयं के बारे में सोचें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भविष्य के बारे में सोचना। ये समझें कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। पांचवा बिंदु, खुद को बदलने के लिए एक चुनौती लें। अगली 30 दिन या 6 महीने का एक चुनौतीपूर्ण शेड्यूल बनाएं और उसे पूरा करें। अपने लक्ष्य को लिखकर दीवार पर लगाएं और उसे हर रोज देखें। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। छठा बिंदु, अपनी मूल्य को समझें। सोचें कि आने वाले समय में आप अपनी क्या कीमत चाहते हैं। अगर 1 घंटे का मूल्य 1,000 रुपये हो तो 1 घंटा बर्बाद करने का मतलब है 1,000 रुपये का नुकसान। सातवां बिंदु, अकेले रहें या फिर समूह बदलें। अपने साथ ऐसे लोगों को रखें जो मेहनती हों और जिनके लक्ष्य बड़े हों। अगर ऐसे लोग नहीं मिलते तो अकेले रहना बेहतर है। अंत में, समय प्रबंधन कोई कठिन कार्य नहीं है, बस इसे करने की तैयारी होनी चाहिए। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दैनिक लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। अगर आप आज नहीं उठे और काम करना शुरू नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी उठें और काम करना शुरू करें।